नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप हर महीने 10 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। चिकन तो हर कोई खाता है, और जो नहीं भी खाता है उसे भी मुर्गे यानी कि चिकन के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। पर क्या आपने कभी काले चिकन के बारे में सुना है? शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ, काला मुर्गा आसानी से उपलब्ध नहीं होता है और यह देश के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है। इस काले मुर्गे को कड़कनाथ मुर्गे के नाम से भी जाना जाता है। आजकल यह कड़कनाथ चिकन लोगों का बिजनेस करने के लिए एक बहुत ही शानदार जरिया बन चुका है। अगर आपके पास 1000 कड़कनाथ मुर्गे हैं तो आप 10 लाख तक की कमाई बहुत ही कम दिनों में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मुर्गे का बिजनेस कैसे किया जा सकता है और कड़कनाथ चिकन की क्या खूबियाँ हैं। कड़कनाथ प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ब्रीड है। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का मुर्गा है, लेकिन अब यह मुर्गा देश के कई हिस्सों जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में पाया जाने लगा है। अब इस मुर्गे की डिमांड पूरे देश में होने लगी है। कड़कनाथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कड़कनाथ भारत का एकमात्र काले मांस वाला चिकन है। रिसर्च के अनुसार सफ़ेद चिकन के मुकाबले इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, तो वहीं अमीनो एसिड का स्तर ज़्यादा होता है। इसका स्वाद भी बॉयलर और देशी मुर्गे से अलग होता है। आपको बता दें कि झाबुआ जिले के आदिवासी कड़कनाथ मुर्गे को काली मासी के नाम से पुकारते हैं। इसका मांस, खून, चोंच, अंडे, जुबान और स्किन सब कुछ काला ही होता है। इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसमें फैट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए हृदय और डायबिटीज रोगियों के लिए यह चिकन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, कड़कनाथ मुर्गे का एक अंडा जहां 50 रुपए का मिलता है, तो वहीं एक मुर्गा आपको 500 रुपए में मिलेगा। एक चूजे की कीमत आपको 70 रुपए चुकानी होगी। अगर आप फुटकर बाजार से काला मुर्गा खरीदते हैं तो हो सकता है आपको 350 से 450 रुपए तक यह मिल जाए और अंडा 25 रुपए तक में मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें कड़कनाथ मुर्गे का बिजनेस। अगर आप कड़कनाथ का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। अगर आप 100 चिकन रख रहे हैं तो आपको 150 वर्ग फीट की जगह की ज़रूरत होगी। तो वहीं अगर आपको 1000 कड़कनाथ रखने हैं तो आपको 1500 वर्ग फीट की जगह की ज़रूरत होगी। कड़कनाथ का फार्म गांव या शहर से बाहर मेन रोड से दूर हो, पानी या बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हो सके तो फॉर्म ऊंचाई पर हो ताकि पानी का जमाव आसपास ना हो सके। दोस्तों, कड़कनाथ के पालन में इन बातों का रखना होगा खास ध्यान। चूजों और मुर्गियों को अंधेरे में या रात में खाना नहीं देना चाहिए। मुर्गी के शेड में प्रतिदिन कुछ घंटे प्रकाश की आवश्यकता भी होती है। दो पोल्ट्री फॉर्म एक दूसरे के करीब ना हो। एक शेड में हमेशा एक ही ब्रीड के चूजे रखने चाहिए। पानी पीने के बर्तन 2-3 दिन में ज़रूर साफ करें। फार्म में हवा और पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। अगर आप कड़कनाथ का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं आप इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए आप इंडिया मार्ट पर मौजूद सेलर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर भी कई बड़े ऐसे पोल्ट्री फार्म मिल जाएंगे जो कड़कनाथ के चूजे और अंडे बेचते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर इस मुर्गे का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ऐसे पोल्ट्री फार्म में जाकर जानकारी लेनी चाहिए जो इसका पहले से ही बिजनेस कर रहा हो। दोस्तों, कड़कनाथ से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।